दोस्तों जिंदगी में जोखिम की बहुत कमी है, तो आज मैं जोखिम लेने आ गया हूं। दोस्तों आज मैं क्या करने वाला हूं, अपने इस पुराने लैपटॉप में जितने भी आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, मैलवेयर, रैंसमवेयर, ट्रोजन हॉर्स और पता नहीं उस सब की चिंता किए बिना बस धड़ाधड़ चीजें इंस्टॉल करूंगा। आपको पता है कि अलग अलग वेबसाइट्स पर जाते हैं तो क्या क्या आता है कि ये डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड कर लो। आज मैं उन सब की बातों को मान लेने वाला हूं। ये क्या बात करता है यार, और मैं डाउनलोड करने वाला हूं सारे वायरस। तो यहां पर मेरे पास ये प्यारा सा लैपटॉप है और यहां से मैंने HDMI केबल कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसमें फाइल रिकॉर्ड करूंगा तो भाई वो फाइल भी मुझे ले जाकर एडिटिंग पैनल पर लगानी पड़ेगी दूसरे कंप्यूटर में, और हो सकता है मेरा दूसरा कंप्यूटर भी किसी काम का ना रहे। तो यहां पर देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हम सबसे पहले डाउनलोड्स में जाते हैं, और डाउनलोड्स में जाने के बाद देखते हैं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 6 है, वैसे ये इसी का रूप है। तो 6 अजीब अजीब चीजें जो हम आज इंस्टॉल करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम कम खतरे से शुरू करेंगे। दोस्तों यहां पर है GTO 6 GTA सुना था, ये GTO है, ये कुछ और है, मुझे नहीं पता ये प्रोग्राम क्या है, बस मेरे को एक वेबसाइट पे मिल गया कि इसे डाउनलोड कर ले, तो मैंने डाउनलोड कर लिया। ये 3 MB का प्रोग्राम है और इसे हम डबल क्लिक करते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। यहां पर कोई एंटीवायरस डाला नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं डाला हुआ है, ये किसी तरह का कोई डाउनलोडर है, आई डोंट नो, बट ये कुछ भी नहीं कर रहा। कंटिन्यू कर देते हैं गाइस, सब कुछ कंटिन्यू कर देते हैं। ये कुछ डाउनलोड कर रहा है, आप इसको मत दिखाइए, आप मुझे दिखाइए, वहां पर हमारी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। ये कुछ मीडिया करके कुछ डाउनलोड है, पता नहीं क्या हो रहा है, इसको डाउनलोड होने देते हैं और देखते हैं ये दरअसल डाउनलोड करता क्या है और हमारा कंप्यूटर कितने वायरसेस को सर्वाइव कर सकता है, जरा ये देखते हैं। और ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, कोई एंटीवायरस कुछ भी नहीं है, 63, 64, 65, 67, 68 हो चुका है, बस आगे बढ़ता ही चला जा रहा है गाइज। अब हमें कुछ भी नहीं मालूम है ये हम क्या इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, हमने ये डाउनलोड कर लिया और ये कुछ खुल गया है। सो गाइज ये कुछ डाउनलोडर है जो कि हमें इस्तेमाल शायद ये नहीं करना चाहिए था, हमने डाल लिया है। इसे करने के बाद भी दोस्तों कुछ नहीं हुआ है, इसमें अजीब अजीब से डाउनलोडर आ गए हैं, तो ये हमें चाहिए नहीं, इससे कुछ नहीं हुआ, ये फालतू की है, GTO नाम का कुछ भी नहीं है। अगली चीज हम देखते हैं ये है टूल बार, इस टूल बार को भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो हमने यहां पर ये टूल बार किया, यस ये इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए टूल बार है, जो अब अनेबल टू कंप्लीट इंस्टॉलेशन, वी हैव डिटेक्टेड दैट यू हैव अ ब्राउजर और ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज नॉट सपोर्टेड बाय द टूल बार। सो गाइज ये 2007 का टूल बार है जो अब शायद चलता नहीं है। तो ये टेक लिखा हुआ है, MS-DOS एप्लीकेशन है, कहां से आई है क्या आई है कुछ पता नहीं है। इसको डबल क्लिक कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके, मोर इन्फो, हाँ रन करो, रन एनी वे टू फाइंड अ वर्जन ऑफ योर PC। ओके, दिस ऐप कैंट बी रन योर PC, ये भी रन नहीं हो रही है। अब यहां पर गाइज द जू नाम की कोई चीज है, इसके डालने से अगली चीज दोस्तों यहां पर है ये जिंगसु अपडेट नाम की कोई चीज है, मुझे ये भी नहीं पता ये क्या है, जरा इसको डालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर यस कर देते हैं, सब कुछ यस कर देते हैं हम। ओके, कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइज, जब नेक्स्ट कर देते हैं, हमें कुछ मतलब ही नहीं है, हमें जो इन्होंने दे दिया हमने ले लिया। तो दोस्तों ये हमने डाल लिया है, कुछ चाइनीज तरह का ब्राउजर है ये, और इसमें कुछ आ नहीं रहा है, बस एक ही चीज करने के लिए आ रही है कुछ। ओके गाइज यहां पर सब कुछ चाइनीज में आ चुका है, अजीब सा, ये कोई चाइनीज ब्राउजर है गाइज, यहां पर हमको कुछ डाउनलोड करने की जगह चाइनीज आ गया है। और देखें गूगल खोल के देखें क्या इससे गूगल खुलता है। तो गाइज यहां पर google.com मैंने एंटर कर दिया है और ये हट नहीं रहा है और गूगल नहीं खुल रहा है इससे मतलब ये कैसा ठुल्लू ब्राउजर है जिससे गूगल भी नहीं खुलता। तो हमने यहां पर एक अजीब सा ब्राउजर डाल लिया है जिसका हमें कुछ पता ही नहीं है। NTTT देखते हैं ये क्या है, इसको डाल के देखते हैं, ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है गाइस ये तो नेटस्केप नेविगेटर है गाइस, यहां पर हमें एक ब्राउजर इंस्टॉल कराया जा रहा है और ये पता नहीं, नेटस्केप नेविगेटर को तो बंद हुए 15-10 साल हो चुके हैं, ये क्यों हमें नेटस्केप नेविगेटर डाउनलोड करा रहा है, नो आइडिया, डू नॉट इम्पोर्ट एनीथिंग, नेक्स्ट। और यहाँ पर नेटस्केप नेविगेटर खुल चुका है, और नेटस्केप नेविगेटर तो बहुत पहले ही बंद हो गया था, ये क्या खुल रहा है ये। ओके, तो यहाँ पर ये पुराना नेविगेटर कैंट कनेक्ट सिक्योरली, ओके ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, बहुत तरह के एरर आ रहे हैं इसमें। स्पोर्ट्स, मैं आपको बता दूँ 10-15 साल हो चुके हैं गाइज इसको बंद हुए ब्राउजर को, और ये नेविगेटर कांट ये खुल नहीं रहा है, कुछ हो क्यों नहीं रहा है इसमें। खुल गया दोस्तों, कुछ आया है यहाँ पर, ID थेफ्ट प्रोटेक्शन डिस्कवर गेम्स,
दोस्तों हमें एक और फाइल मिली है जिसका नाम है balla.bat। तो यहाँ देख सकते हो ये balla.bat, पास आकर दिखाओ, बल्ला को दिखाओ, ये दोस्तों बल्ला, balla.bat को आप देखिए, ये बल्ला लिखा हुआ है। इस बल्ला पे हम क्लिक करेंगे, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। गाइस यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा, आप देख सकते हो, बाल भी बाका कोई कर नहीं पा रहा है इस कंप्यूटर का। ऐसे सब कुछ करके डिलीट कर दो, हमें चाहिए ही नहीं। कैलकुलेट करने में लगा हुआ है, कुछ हो नहीं रहा है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग, उलाला उलीला, हाँ उलाला। दोस्तों हम अपना फाइनल टेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है उलाला। तो ये उलाला को अब हम यहाँ पर करने वाले, तो ये उलाला नाम की कोई फाइल है, पता नहीं ये कहीं से तो हुई है डाउनलोड। इस पर डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ओके ये सीएमडी खुल चुकी है, स्लीप नाम के फोल्डर आ रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई, डिलीटिंग क्रिटिकल सिस्टम फाइल, डिलीशन सक्सेसफुल, डिलीटिंग रूट पार्टीशन, डिलीटिंग विंडोज। ये क्या कर रहा है भाई, डिलीशन, ओ विंडोज डिलीट हो गई। ये द सिस्टम कैन नॉट फाइंड स्पेसिफिक, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। एग्जीक्यूशन अटेम्प्ट सेटिंग ऑल यूजर, वायरस एग्जीक्यूटेड, डिसेबलिंग विंडोज फायरबॉल, किल ऑल प्रोसेस, अलाउ वायरस स्टार्टअप, बूट वायरस सक्सेसफुली, हैव फन। ये क्या हो रहा है भाई, ये बंद हो गया। सो दोस्तों हमने इसको अलविदा कह दिया, फाइनली हमारा कंप्यूटर